अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप सब। हमारे पास एक्सरसाइज है 5A D1 बुक के क्वेश्चन नंबर 1 है। इसका सवाल हमें कह रहा है कि सोल्व द फॉलोइंग इक्वेशंस। हमें इक्वेशन सॉल्व करनी है। हमारी ए इक्वेशन है x+8 जो कि बराबर है 15 के। अब हमने क्या करना है, एक्स का वैल्यू निकालना है। सब में बस एक्स का, वाई का, जेड का या ए का, जो भी हमें वेरिएबल दिया हुआ होगा उसका वैल्यू निकालना है। ठीक है, तो हमने क्या करना है, एक्स का वैल्यू निकालना है। ये प्लस का 8 है, हमें ये 8 ख़त्म करना है। एक्स को इस तरफ अलोन करना है, अकेला करना है। तो हम क्या करेंगे, ये 8 ख़त्म करने के लिए बेसिकली जो रूल होता है, ये प्लस का अगर 8 है तो यहाँ पर माइनस का 8 ऐड कर देते हैं और ये 15 - 8 हो जाता है। ये माइनस का 8 प्लस का 8 कैंसिल आउट। कभी कभी हम जल्दी में यूँ भी कहते हैं कि ये प्लस का 8 इस तरफ गया तो माइनस का हो गया, तो ये भी कंसिडर कर लें, आपकी मर्ज़ी है। तो यहाँ पर 15 - 8 हमारा बचा 7 और यहाँ पर बचा जस्ट एक्स। बात एक ही होती है कि प्लस का इधर गया तो माइनस का हो गया। ये भी आप जहन में रख लें कि हमें ये बेसिकली जल्दी जल्दी में अगर करना है तो ये इतने सारे स्टेप्स हम नहीं चलाएंगे। जस्ट हम क्या करेंगे, प्लस का 8 इस तरफ गया, माइनस का हो गया, तो 15 में से 8 गया, 7 बचा। बी पार्ट है हमारे पास x+9 = -5। ठीक है, देखें एक्स, ये प्लस का 9 ख़त्म करने के लिए हम बेसिकली ऐड करते हैं माइनस का 9, तो यहाँ पर भी हमें माइनस का 9 ऐड करना पड़ेगा। जो यहाँ पर ऐड किया है वो यहाँ पर भी। ये माइनस का 9 प्लस का 9 कैंसिल आउट, और ये माइनस का 5 और माइनस का 9 कितने हो जाएंगे, माइनस के 14 हो जाएंगे। ये आपको पता है कैसे हो रहे हैं। लेट सपोज़ ये -5 और ये -9 है, मतलब फ़र्ज़ करें आपने किसी दुकान वाले से 5 रुपये की उधार ली थी। उधार हमेशा नेगेटिव में लिखी जाती है। फिर आप गए दुकान वाले के पास, फिर 9 रुपये की उधार ले ली। अब टोटल उधार कितनी हुई, टोटल उधार हुई 14 रुपीज़। तो उधार को हम क्या करते हैं, नेगेटिव में ज़ाहिर करते हैं। लोन, फ़र्ज़ करो हमने कोई चीज़ ली थी दुकान वाले से घर के लिए, सामान के लिए, ठीक हो गया। इस तरीके से हम कंसीडर कर सकते हैं। चलो, पार्ट बी भी हो गया हमारे पास। अब है हमारे पास पार्ट नंबर सी। पार्ट नंबर सी हमारे पास x-5 = 17। ये माइनस का 5 उस तरफ जाएगा तो किसका हो जाएगा, प्लस का। x = 17 + 5 हो गया हमारे पास 22, एक्स का वैल्यू आ गया। बी पार्ट है हमारे पास x-7 = -3। ठीक हो गया, सॉरी y है यहाँ पर, जस्ट बस y-7 = -3। ये माइनस का 7 उस तरफ गया तो हो जाएगा प्लस का, मतलब बराबर वाली साइन के उस तरफ जाएगा ना। अगर माइनस का होगा तो प्लस का हो जाएगा, अगर प्लस का होगा तो माइनस का हो जाएगा, अगर मल्टीप्लाई का होगा तो डिवाइड हो जाएगा, डिवाइड का होगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, उल्टा होता है बस। तो ये -3 सेम, ये माइनस का 7 इस तरफ आया तो प्लस का 7 हो गया। अब प्लस के 7 में से ये माइनस का 3 गया तो हमारे पास बचेगा प्लस का 4। ये हमारा डी पार्ट था। अब ई एफ जी तीन पार्ट और रह गए हैं, इसको कर लेते हैं। तो y+0.4 = हमारा 1.6 के। 0.4 है, अब डेसिमल में आ गया, कोई मसला नहीं है। हमने क्या करना है, y = 0.4 जो है प्लस का है उस तरफ जाएगा तो किसका हो जाएगा, माइनस का 0.4। अब डेसिमल में आपको माइनस तो आती होगी, नहीं भी तो आप रफ कर सकते हैं। 1.6 और यहाँ पर 0.4 किया हमने, 6 में से 4 गया 2 बचा, डेसिमल डेसिमल के नीचे, 1 में से 0 गया तो 1 बचा। ठीक है, तो 1.2 आ गया, 1.2 हमारा आंसर है। ठीक हो गया। ई एफ पार्ट है हमारे पास y -2.4 = 3.6। y -2.4 = 3.6। तो हम क्या करेंगे, माइनस का 2.4 है उस तरफ जाएगा तो किसका हो जाएगा, प्लस का। तो आप इसको लेकर आए, 3.6 प्लस का 2.4 हो गया। अब इसमें प्लस कर दें, 3.6 में प्लस कर दें 2.4, 4 और 6 या 6 और 4 हो गए 10, 1 ऊपर, पॉइंट पॉइंट के नीचे, 1 और 3 4 और 2 6, तो 6.0 हमारा आंसर रहेगा। ठीक है, 6.0 या 6 आप आंसर कर दें, तो बस ये हमारा आंसर रहा। एफ़ आखिरी पार्ट है हमारा जी, वो कर लेते हैं। जी हमारे पास है -2.7 + a = -6.4। अब ये a सेम रखें, ये -2.7 है बराबर की इस तरफ आ गया तो प्लस का हो जाएगा। तो माइनस का 6.4 ये वाला सेम, ये माइनस का है इस तरफ आ गया तो प्लस का हो गया 2.7। अब 6.4 में से हमें 2.7 को डिलीट कर देना है। ठीक है, 6.4 में से 2.7 को हमने डिलीट कर देना है और आंसर हमारा माइनस का रहेगा, क्योंकि 6.4 बड़ा है 2.7 से। नेगेटिव वाला बड़ा है तो नेगेटिव में आंसर आएगा। 4 में से 7 जाएगा नहीं,
तो यहाँ पर बचा 5 और 1 दिया इसको, 14 में से 7 गया 7 बचा, पॉइंट पॉइंट के नीचे 5 में से 2 गया 3 बचा, तो इसको नेगेटिव साइन लगा देनी है। तो ए का वैल्यू हमारे पास आ जाएगा -3.7, -3.7। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 था एक्सरसाइज 5A का। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज और नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़। अल्लाह हाफिज़।